जय श्री राधे कृष्ण। जीवन बहुत अनमोल है, इसे भरपूर जिए। एक प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। एक बार एक गांव में एक बहुत मशहूर चित्रकार रहता था। वह बहुत सुंदर चित्रकारी किया करता था। एक बार उसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को बनाकर उसने गांव के चौराहे पर लगा दिया व उसके नीचे लिख दिया कि इस पेंटिंग में जो भी कमी दिखाई दे वहां निशान लगा दे। सारा दिन बीत गया। वह शाम के समय चौराहे पर वापस गया। उसने देखा वह पेंटिंग पूरी खराब हो चुकी थी। पूरी पेंटिंग पर निशान ही निशान थे। वह उस पेंटिंग को लेकर आया और मायूस होकर बैठ गया। इतने में उसका मित्र वहीं से गुजर रहा था। वह उसके पास आया। उसने उसकी उदासी का, उसकी मायूसी का कारण पूछा। उसने बताया कि इस प्रकार मैंने पेंटिंग बनाई थी और इस तरह मेरी पेंटिंग पूरी खराब हो गई। उसके मित्र ने कहा, एक ऐसी ही एक और पेंटिंग बनाओ और फिर उसी चौराहे पर इस पेंटिंग को लगा दो। अब की बार यह लिखना कि इस पेंटिंग में जो भी कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। अगले दिन वह ऐसा ही करता है। नई पेंटिंग बनाता है, उसे उसी चौराहे पर लगाता है व नीचे लिख देता है कि जो भी कमी है इस पेंटिंग में उसे सही किया जाए। शाम के समय वह वापस जाकर वहाँ देखता है, परंतु आज उस पेंटिंग में किसी ने कुछ नहीं किया था। वह पेंटिंग उसी प्रकार वहाँ लटकी हुई थी। एक चिन्ह भी नहीं था उस पेंटिंग पर। वह चित्रकार समाज की रीति को समझ गया। निंदा करना, दोष निकालना, कमी निकालना, यह समाज की रीति है, परंतु उसे सुधारने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए। उदाहरण मात्र कहूँ तो जिंदगी मान लीजिए कि एक आइसक्रीम की तरह है। वह चखेंगे तो भी पिघलेगी, नहीं चखेंगे तो भी पिघलेगी, तो क्यों ना उसे चखा जाए। उसी प्रकार वक्त तो गुजरेगा ही, तो उस वक्त का आनंद लिया जाए। वक्त तो गुजर ही रहा है, दिन पर दिन हमारी आयु कम ही हो रही है, तो क्यों ना उस वक्त को भरपूर जिए। जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष आता है, हम निराश हो जाते हैं, परंतु कहीं से आकर आशा हमारे कानों में कहती है कि फिर से प्रयास करो। उस प्रयास को अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, यूं ही बीत जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण।